आप सभी लोग, आज हम बात करेंगे आपका फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। देखो, ट्राइनोमियल का स्क्वायर करना है, बहुत सिंपल वे में हम इसको समझाएंगे, ठीक है। देखो, कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला मैं एक बार बता भी चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके प्रीवियस वाले लेक्चर में देख सकते हैं हमारे। देखो, इसमें क्या करना है, हमें घूम फिर के क्या आके करना है इसमें, सुनो। देखो, यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड, हाँ देखो क्या करेंगे कि जैसे हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक, क्या होता है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, दो घर से एक्स वाई, फिर वाई जेड, दो लगा लेना, ठीक, टू जेड एक्स, ये हमारा फार्मूला है। और हमें क्वेश्चन को घूम फिर के इसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्म में लाना है, बस यही करना है, यही है हमारा क्या, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फार्मूला फॉर द स्क्वायर ऑफ अ पॉलीनोमियल, यही है हमारा काम। आपको कैसे ना कैसे क्वेश्चन को मोड़ के, तोड़ के, जोड़ के इस फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में, जो स्क्रीन पे आपको रेड कलर में फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, बस इस फॉर्म में। अगर इतना आप कर ले जाते हैं तो यू हैव डन, आपने कर लिया। जैसे देखिए, क्वेश्चन हम लेते हैं, फैक्टराइज करना है हमें क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/16 सी हियर, हाँ क्वेश्चन है 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 एक्स वाई माइनस वाई प्लस हाफ एक्स। अब ये क्वेश्चन है, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो भैया बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, क्या करना है, आपका दिमाग बस स्क्वायर पे जाना चाहिए, बाकी के जो लास्ट के तीन टर्म है वो अपने आप बन जाएंगे। कैसे, देखो बताता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो एक्स खुद का स्क्वायर है और 16 फोर का होता है, लो, प्लस देखो y खुद का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, तो दोनों पे लगा के ये बन गया, प्लस 1 खुद का स्क्वायर होता है, मालूम है। अब देखो ये जो 1/4 एक्स वाई है, थोड़ा सा एक काम कर लो, इसको आप ऐसे ले लो, 2 ये वाला x/4 और y/2, ये देखो इस यहाँ से लिख लो, यहाँ से, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एक बार चेक कर लेना क्या इतना आ रहा है, बिल्कुल देखो नीचे कितना, 4 2 जाए 8 और 2 4 जाए 8, बिल्कुल आ रहा है, देखो बन गया, एकदम सेटअप बन गया। मतलब यही चीज़ जो बंद है उसको, जो चीज़ खुली हुई है उसको बंद करना है, बस इतना समझ लो, ये इतना करना आ गया तो आपका फैक्टर, ये आपका ट्राइनोमियल के स्क्वायर वाला फंसेगा नहीं, ठीक। आगे आओ, देखो अब ये बना लिया हमने, अब देखो लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा कि अब देखो ये चीज़ माइनस है, ठीक है, क्या है ये चीज़, माइनस, लेकिन फॉर्मूले में प्लस होता है तो आपको एक माइनस करना पड़ेगा। चलो यहाँ प्लस कर लेते हैं और इसको माइनस बना लेते हैं, तो यहाँ माइनस करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। देखो मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ क्या आपको करना है, ठीक है, गलती कहाँ पे हो सकती है, ठीक है, चलो ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, माइनस, और यहाँ पे भी कर लिया हमने माइनस, ठीक, अब बात समझ में आ गई, ठीक, ताकि ये आपका ये माइनस वाला मेंटेन रहे, ठीक। अब चलिए अगला आइए, फिर देखिए हम क्या करते थे, ठीक, वापस अपने कलर पे आते हैं, ठीक है, फिर क्या करते थे, प्लस 2yz, यानी ये वाला, ये और ये करो, देखो माइनस वाई अपॉन 2 और ये 1, 2yz हो गया। फिर क्या करेंगे, 2zx, यानी फर्स्ट एंड लास्ट, एक्स अपॉन 4 और इधर 1। अब ये सब देखो क्या ऊपर वाला जैसा आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, एकदम 100% आएगा ही आएगा, नहीं तो जाएगा कहाँ पे, क्योंकि वही चीज़ खुली हुई है, उसको बस आपको ओपन, मतलब ओपन है समझ के उसको क्लोज करना है, ठीक है। वाई अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, ये सब पूरा फॉर्मेट बना हुआ, आप खोलेंगे ना तो यही आएगा, ठीक है। फिर देखो 2, सब कुछ ऐसे लिख दो, वाई अपॉन 2, 1, 2, एक्स अपॉन 4, 1। अब देखो ये देखो क्या बन रहा है, ऐसे देखो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बन रहा है सब कुछ, ठीक। फिर प्लस
2ab, 2ab, bc, ca. तो बस क्या है, धर के स्क्वायर करके स्क्वायर कर दो तीनों को. x अपॉन 4 प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये पूरा होल स्क्वायर हो गया, बस यही आंसर है. चाहे इसको होल स्क्वायर ना लिख करके आप दो बार ब्रेक करके लिख सकते हैं, हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में ये आंसर आ रहा हो. मतलब क्या, एक मिनट, मतलब आपका ये आ सकता है x अपॉन 4 माइनस y अपॉन 2 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में फिर यही चीज़. बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. देखो अब इस क्वेश्चन में, ये भी बहुत आसान था क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सब बंद है, सब कुछ खुला हुआ है, बंद करके रखना है. देखो भाई, x खुद का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, y पे स्क्वायर है, तो ऐसे कर लो, ठीक, प्लस z का स्क्वायर. बस थोड़ा सा यहाँ काम ये करना पड़ेगा. देखो क्या काम करना पड़ेगा, देखो दो माइनस के टर्म दिख रहे हैं, यानी x y और फिर देखो यहाँ z. आप एक काम करो, क्योंकि z आपका, ध्यान से समझो, देखो x और z पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, क्या चीज़ पॉजिटिव रहेंगे, x और z. ये कैसे पता चला, देखो मैं इंक चेंज करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है. प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपको, देखो थोड़ा, देखो ये टर्म पॉजिटिव है ना, तो गलती से भी ना तो आप x को निगेटिव रख सकते हैं, ना ही z को निगेटिव रख सकते हैं. अब ऑप्शन क्या बचा आपके पास, y, तो बस y को निगेटिव कर लो, आपका काम हल हो जाएगा, ठीक. देखो फॉर्मूले में क्या लिखते हैं हम, आगे कंटिन्यू करोगे अगर, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2xy होता है, 2x की जगह पे x है, y की जगह हमारा माइनस 2y है. अब देखो आ रहा है 2 2 4xy, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, कहीं नहीं जाएगा. 2yz, yz का मतलब 2y, अगला z, फिर 2zx, zx का मतलब क्या है, अरे वही भाई z और ये x. लो अब पूरा ये खोल के देखो, ऊपर वाले जैसा आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया. देखो दिमाग यहीं पर लगाना बेटा, कि x और z को तो पॉजिटिव निगेटिव कर नहीं सकते, यानी x और z हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना प्लस लगा हुआ है. अब बचा कौन, किसको निगेटिव करें, y को, तभी तो ये माइनस चिन्ह आ पाएंगे, क्योंकि भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz. तो हमें प्लस मिला लेकिन माइनस है, तो मजबूरी हमें माइनस करना पड़ेगा. तो लो भैया बन गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा आंसर. इससे भी नहीं संतुष्ट हैं तो ये कर लो, ठीक, और ये कर लो, बस ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर. समझ में आ रहा है सभी लोग को, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें, ठीक, क्योंकि एक लेक्चर रिकॉर्ड करने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं और एक लाइक करने में हार्डली 1 सेकंड, ठीक. अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, वरना कोई बात नहीं, काम तो चल ही रहा है, ठीक. चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन है अगला. देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसको सॉल्व करना है, राइट. देखो कुछ नहीं, सिंपल सी बात, फिर वही मेरा वाला लॉजिक. देखो ये इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ पे y लिख के मैं छोड़ दे रहा हूँ, आगे साइन क्या होगा ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है. चलो इसमें छोड़ दे रहा हूँ थोड़ा गैप. अब देखो ध्यान दो, रुक जाओ, ध्यान दो, क्या करेंगे हम लोग कि देखो y और z में, एक सेकेंड, हाँ देखो, ओके, हेलो हेलो. देखो सिंपल सी बात है, अब देखो हम यहां से इसको पकड़ो ना, इस चीज को, y और z को कतई से गलती से भी हम निगेटिव नहीं कर सकते. भैया बचा क्या, यही बचेगा भाई, ऑप्शन ही नहीं ना मेरे पास, क्योंकि y और z दोनों को ही पॉजिटिव रखना है. बात समझ रहे हैं, ठीक है, बस हो गया काम आपका, ठीक. जाइए 4zx, ठीक है, समझ गए. चलिए आइए देखिए, अब हमारा क्या, सब कुछ पका पकाया है, बस परोसना है, खाना है. बात समझ रहे हैं, खोल के देख लीजिए, इस फॉर्मूले को ओपन कर लीजिए पूरा, देखिए वही सेटअप आ जाएगा, ठीक. बस दिमाग जो है, समझ रहे हैं ना, थिंक लाइक एग्जामिनर देन यू विल सक्सेस. देखो क्या है, हम y और z में दोनों को ही पॉजिटिव रखेंगे ना, यानी इसको छेड़ेंगे ना इसको छेड़ेंगे, तो छेड़ने के लिए बचा कौन, x, माइनस लगा दो, बन गया कहानी आपका, ठीक. तो बस हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, प्लस y, भाई इसको थोड़ा सा खेलने कूदने के लिए दो बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही है, ठीक है, वेरी गुड. चलिए समझ गए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से आप सभी लोग को चैलेंज, वीडियो पॉज करके करना है इसको। देखो क्या है, 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 अपॉन 3x, ये है क्वेश्चन। देख लो कितना है क्वेश्चन में। अब यहां पे देखो, थोड़ा ध्यान से देखो क्या है। हाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें टर्म गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके इसमें सेटअप बनाना पड़ेगा। देखो क्या करोगे, ये जो 27 है ना बेटा, इसको लिख दो 25 प्लस 2। कोई दिक्कत, क्यों ऐसा लिखा अभी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी आपको, अभी आपको सब समझ में आएगा। ठीक, देखो हमें इनसे कोई लड़ाई नहीं करनी, इन तीन लोग से कोई झगड़ा नहीं करना। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, देखो 5 का स्क्वायर प्लस ये जो है ना 9x स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, अभी क्या प्लस कौन कहाँ साइन होगा ये बात की बात हम डिसाइड करेंगे। ठीक, चलो आओ, दो बचा तो इसको यहाँ पे लिख दो, माइनस 30x और 10 अपॉन 3x। जरा ध्यान से देखो, एक टर्म पॉजिटिव आ रहा है, बाकी दो निगेटिव आ रहे हैं। ठीक, सोचो मतलब ये क्या होगा, 2ab अगर करेंगे तो 5 5 3 जा 15, बात समझ रहे हैं, 15 और 2 जा 30, यानी इसमें तो माइनस वाला होगा। फिर देखो इसमें देखो, हाँ ये प्लस 2 आ रहा है, मतलब क्या है कि हम किसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखो 2ab करेंगे, इसका मतलब ये देखो, इसको भी हमें प्लस करना पड़ेगा और इसको भी प्लस करना पड़ेगा, तो मजबूरी है माइनस किसको करना पड़ेगा। देखो कैसे आप जानेंगे कि हमको प्लस करना पड़ेगा, देखो मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पे देखो, प्लस वाला टर्म यही है ना, प्लस 2, और प्लस 2 कैसे आ सकता है, जब हम 2 करें इंटू ये वाला उठाएं 3x और 1 अपॉन 3x, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो कट गया, ये 2 बचा, यानी कि इन दोनों टर्म को हमें पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, तो मजबूरी है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव। बस अब आपकी कहानी बन गई, क्या बन गया फॉर्मूला, माइनस 5 प्लस 3x, ठीक है, 1 अपॉन 3x का स्क्वायर बन गया। अब थोड़ा इसको और अच्छा दिखने के लिए आप इसको ऐसे कर लें, इसको पीछे कर दें, दो बार लिख दें तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। बोलो समझ में आ गया, ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द सेशन, इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट्स प्लीज लाइक, राइट, ओके। चलिए देर नहीं करते, आगे बढ़ेंगे, अगला सेशन हमारा होगा फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फार्मूला फॉर द क्यूब ऑफ बायनोमियल। अब हम बायनोमियल का क्यूब करेंगे और फिर खुली चीज़ों को बंद करेंगे। ये सेशन भी यही था, क्या थी चीज़ें, खुली थी, खुली होने का मतलब सारे बिखरे टर्म थे, हमको बंद करके फॉर्मूले में बनाना था। अगली बार जो आने वाला है उसमें क्यूब खुला रहेगा, आपको बंद करके फॉर्मूले में लाना है। चलिए देर नहीं करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अभी मैं स्टार्ट करूँगा, इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करूँगा, अगला अभी दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।